ले तेरा अलग ही सीन होता है, उन्होंने स्टार्ट कर देती है छोटी छोटी बातों पे। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख ली थी और आज हम करते हैं न्यू वीडियो की स्टार्टिंग। एंड गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे, टाइम परफेक्ट नहीं पता लेकिन यही टाइम हो रहा है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उठ गए थे, फ्रेश वगैरह हो गए थे, तो अभी किंजल बना रही है। आपको दिखाता हूं क्या कर रही है। तो गाइस, अभी किंजल कर रही है, बर्तन धो रही है दोनों, और अभी हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं किंजल? हम दोनों दिखा, फेस तो दिखा दे अपना, गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड। तो अभी ये बर्तन धो रही है गाइस, उसके बाद गाइस अभी ये बनाएगी मैगी। और गाइस यार, हमारे कपड़े वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं, हम मैं तो भाई बिल्कुल बहुत ही कम ही कपड़े लेके आया था, और किंजल भी बहुत कम कपड़े लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि जो भी है जैसा भी है तो थोड़े कपड़े वगैरह लेने भी बाहर चलते हैं, और घर के थोड़े बहुत सामान और ले आते हैं जिससे कि घर और अच्छे से हो जाए। और बाकी चलो मैं आपको दिखाता हूँ जब ये बनाना स्टार्ट करती है मैगी। आ चुकी है किंजल यहाँ पे, और हमारा खाना देखो अब कैसे बनता है, आपको सिखाते हैं मैगी कैसे बनाया जाता है। तो आज ही जलाना नहीं आता तेरे को? ले पकड़, मैं जलाता हूँ। अरे जलाओ तो, खोलो तो। तो गाइस फाइनली मैंने जला दिया। अरे गैस क्यों वेस्ट कर रहे हो, इतना रखो ना उसको। मैंने जला दिया, बता रहा हूं कि मैंने गैस जला दिया, और ये मैंने चला दिया इसके ऊपर तुम्हारा ये बर्तन। हटो यहां से। अब किंजल बनाएगी। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसमें पानी तो डाल, बिना पानी के बन जाता है क्या मैगी? क्या देख रही है तू, नहीं आ रही स्मेल, टेंशन मत ले। सो गाइस, अब हमारा कुछ मैगी इस प्रकार दिख रहा है, पता नहीं क्या कर। अबे कितना टाइम लगेगा? और मैं कुंजल जी क्या गैस स्लो है, गैस स्लो है। ओ बंटी तेरा साबुन स्लो है क्यों? मुंह मत बना, चल मैं तेज कर दूँ थोड़ा सा। मत करो बहुत ज़्यादा, भी चेक कर। बंद हो रहा है। अब ठीक है। सो गाइस, अभी तक वेट ही कर रहा था, जल्दी से बन जाएगा फिर मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस, फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है, और हमारे शेफ मिस किंजल जी का दिखाते हैं कैसा बनाया मैगी। वाओ, ये बनाया है, इसमें प्याज व्याज भी ले आती, प्याज ला के डाल देती है। ओ भाई, इसने आग लगा दी, ये आग लगाई है, जल्दी सब खाना निकालते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रखी है यार। तो खाना हमारा रेडी है फाइनली। वाओ मैगी, हाँ चलिए यार, मुझे नहीं पता था गर्म है यार, बस मुझे पता नहीं था ये गर्म है गाइस, ये बहुत ज्यादा गर्म है यार, पता नहीं हाथ जला। सो जो भी है, चलो गाइस, नहीं तो गाइस हमारी मैगी रेडी, आप देख सकते हो। वाओ अच्छा लग रहा है ना, आप लोग भी आइए और खाइए मैगी को, एंजॉय करिए। तो जल्दी से अब यहाँ से हम खा लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से मैडम के लिए थोड़े से कपड़े लेने, क्योंकि कुछ ज्यादा पहन नहीं पा रही है, एक ही दो कपड़े बार बार वियर कर रही है तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस, अब एक बहुत बड़ा सीन हो गया है, पूछिए क्या, हम लोग चम्मच ही नहीं लाए खरीद के यार, हमें चम्मच ही नहीं भी याद पता थी, और ना याद था कि चम्मच भी देख रहे हो, ये देखो तू ढूंढ रही थी। वाह किंजल, तूने, अब मैं खाऊं किससे, मैं ये सोच रहा हूँ, अब यहाँ हाथ से ही खाना पड़ेगा यार देखो, क्योंकि अभी फिर नीचे जाऊँगा बहुत ज़्यादा नीचे, दिमाग खराब हो जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि फोर्थ फ्लोर पे है हमारा घर, क्या करें फिर। गाइस इसका मूड ना ख़राब है कल से ही, देखो सकल से आपका लोग ऊपर चल रही होगी, इसीलिए इसका मूड थोड़ा ठीक करने के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। स्माइल प्लीज किंजल। तो गाइस चलो खाते हैं यार हाथ से ही, अब गर्म भी तो है थोड़ा, तो आप लोग कभी ट्राई करना हाथ से खा के मैगी कैसा लगता है, और मुझे बताना। चलिए खा के मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने तो खा लिया, हाथ धो लिया, किंजल अभी बर्तन धो रही है, सो जल्दी से धो ले। कॉल आ रहा है तेरा, कॉल आ रहा है तेरे भाई का कॉल है किंजल, बात कर रहा हूँ, बर्तन धोते धोते बात करिए क्या, क्या इसका कॉल क्यों आ रहा है, चाचा का बेटा का है। स्पीकर, हेलो, आई वाई बोलने का तो रहने दे तू अभी, क्यों क्या हुआ? तो तू बिना बताए सब कुछ तुम लोगों ने कर लिया, भाग के चली गई, तभी ख्याल नहीं आया भाई का।
अब जब भाई कोई मानेगा नहीं तो मैं क्या करूंगी बताओ आप। एटलीस्ट मेरे से तो बोलती एक बार, मैं घर वालों को बोलता ना कुछ ना कुछ करके मना आप करते सबसे ना। बोला था तो आप ही ने तो बोला कि भूल जाना उसको, तेरे लायक नहीं है ये वो। हाँ तो बरोबर है ना, हम लोग क्या ठाकुर लोग है ना हम लोग। तो भाई ऐसे कुछ नहीं होता ना, ये कहाँ चलता है अब ऐसा। क्यों नहीं चलता है, हमारे में नहीं चलता है, तुमको ये चीज पता नहीं है। क्या हरकत करी है तूने? मैंने क्या हरकत करी? चली तो गई दूसरे के साथ, और क्या हरकत करेगी, इससे बड़ा क्या है। मम्मी पापा की नाक तो कट गई ना, अभी किधर मुंह दिखाने लायक रखा है क्या उनको। मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब अब मैंने आप लोग बात नहीं मान रही हूँ, मैं तो चाह रही थी ना कि आप लोग बात मानो मेरी। अरे कैसे मानेंगे भाई, किसी ने कहा है आज तक घर में, किसी ने कहा है। कहाँ से हेलो बिलोंग करते हो कुछ पता है, हेलो बस ऐसे ही कर लेना है। हेलो, हाँ कौन राज बोल रहा हूँ, क्या हो गया भाई, कैसे चिल्ला रहे हो। भाई, तुमको क्या करना है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम कौन होते हो। कौन होते हो पता नहीं है आपको? पता तो है यार। पता है मतलब भाई, मैं तुमको जानता ही नहीं, तुमसे बात ही नहीं करनी है, हमारा तुमसे कोई रिश्ता अच्छा मुझे है। बताओ क्या चाहिए, क्या क्या अभी किस लिए कॉल करा ये बताओ। कॉल कर रहा है मतलब राखी, इसलिए फोन कर रहा है, मैंने तुमसे बात करने के लिए थोड़ी फोन कर रहा है। तो राखी पे नहीं आएगी ना, ये नहीं आ सकती, कैसे आ जाएगी। एक्सेप्ट कोई कर रहा है, घर वाले एक्सेप्ट कर ले तभी तो आए हम। ऐसा नहीं होता ना भाई, तुम उसको भगा के लेके घर वाले तो ऐसे भाई भगा के आपको कौन ले भगा गया, के हम लेके गए हो ना अपनी मर्जी से आए हैं ना हम दोनों, तो भगा के कोई नहीं मर्जी ले से, गया। लेकिन भगा के लेके गए हो ना, नाम तो यही बदनाम हो रहा है ना हमारी पूरी फैमिली का। तूने क्या वो राखी दी छोटे भाई के लिए? अभी भाई भाई नहीं रह गया तेरा, वो कुछ घर से गए ना निकल के, तो अभी क्या रिश्ता निभा रहे हो। तो मैं तो दूंगी ना, इसमें क्या है, बस राखी तो दी है मैंने, कौन सा कोई पाप कर दिया है। नहीं नहीं देनी है अभी, कुछ रिश्ता नहीं रखना। तुम लोग कहाँ सोसाइटी में आए थे? दिक्कत तो क्या हो गया यार भाई, कैसे चिल्ला रहे हो यार ऐसे, कुछ करा दिक, थोड़ी दिक हमने मत गलत, हम जाना तो बस मेरे घर नॉर्मली। वाले, तुम तो दिख मत जाना, क्या दिख मत जाना दिख मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जहां मिलोगे ना वहीं पे मार खाओगे तुम, भाई, देखो जानते हो सुनो यहाँ सुनो, पे। ये धमकी देने की जरूरत नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और ये सारी ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे अब मैं सम। घंटा फर्क नहीं पड़ता, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, चाहे जो उखाड़ लो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कैसा समझ रहे भाई हो ये, क्या है तुम। पागल वागल है क्या। अरे तू फोन काट, इसको ब्लॉक कर यार भाई, नहीं करनी बात, फोन मत कर देना हमें, ठीक कौन है। बोल रहा, अब तू रो ले, तेरा अलग ही सीन होता है, रोना स्टार्ट कर देती है छोटी छोटी बातों पे। सो भाई इसके भाई दे रहा है धमकी हम लोग को, देख लो इसका भाई दे रहा धमकी, मतलब चाचा का बेटा है, उसको जा रही वो चीड़ मच रही है कि हम इसकी गली में गए और मतलब हमने वो दिया भाई, वीडियो देख लिए चल ठीक है, बार बार कॉल कर रहा है, बंद बंद कर दे, नहीं करना बात। तो भाई यार मतलब ऐसे लोग यार क्या है यार, मतलब धमकी दे रहे हैं, मतलब अलग ही सीन है यार, अब मैं क्या बोलूं। गाइस आप ही लोग बताओ यार क्या करें इस चीज में, सोचा था क्या सोच हो क्या मैं नहीं है, जाना कहीं, चल ले चुपचाप बर्तन धो मैं ले। नहीं जाऊंगी। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया यार, इसके भाई का कॉल आया था और इसका मतलब ना मन बिल्कुल भी अब नहीं कर रहा बाहर जाने का, तो मैंने बोला है कि थोड़ी देर आराम कर ले फिर शाम में चलते हैं कहीं बाहर, क्योंकि यार मैंने क्या क्या सोचा कि सुबह सुबह चलेंगे, मतलब अभी टाइम हो गया था कि सही घूम जाते, थोड़ा घूम लेते और माइंड भी फ्रेश हो जाता, लेकिन इसके भाई का कॉल आ गया तो ये बस रो रो, मतलब पता नहीं क्यों रो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है इन सब चीज़ों में, मतलब बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब इसको बुरा लगने लग जाता है, तो बस अभी सो रही है, आप दिखा देता हूँ, तो अभी वो सो रही है चुपचाप, तो यार और क्या ही बोलूँ आपको, तो अभी मैं इसको सोने दे रहा हूँ, तो बाकी मैं अभी थोड़ी देर लेट जाता हूँ और एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, एंड चलिए बाकी जो भी रहता है शाम में चलते हैं कहीं घूमने, या थोड़ा बाहर घुमा दूंगा जिससे कि थोड़ा इसका माइंड फ्रेश हो जाए, बाकी चलो मैं आपसे बात करता हूँ आगे। सो गाइस अभी मैं सो के उठा तो ये झाड़ू लगा रही है, तो अभी इससे बात कर ली मैंने, बोला चलने के लिए, तो झाड़ू लगा के निकलते हैं, तो गाइस चलो चलते हैं बाकी चलिए। सो गाइस चलो पहुंच चुके हैं हम, बस ने हमें छोड़ जाता स्टैंड पे, और चलते चलते हम लोग आ चुके हैं हमारे सामने ये बस सरोजनी नगर, मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो गाइस ये रहा, तो चलिए चलते हैं अंदर पहले फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस क्राउड देखो एसएम का बहुत ज़्यादा है इस टाइम, मतलब हम लोग आज पता नहीं कौन सा दिन है इतना क्राउड है, कल राखी वगैरह है दैट्स व्हाई ऐसा हो रखा है। बाकी चलो कोई मार्केट में अब चलते हैं, हम भी कुछ लेते हैं,
पिंजल कहाँ गई, ये नहीं, चलो कुछ दिखा नहीं तेरे को, इसे देखो कुछ मिला नहीं अभी तक, कुछ दिख नहीं रहा, तो नॉर्मल कुछ टी शर्ट वगैरह ले लेते हैं, नॉर्मल कुछ देख लेते हैं और अंदर जाके फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो गाइस बहुत देर से घूम रहे हैं और इसको अभी तक कुछ समझ नहीं आया, और अब जाकर एक चीज़ दिखी है, ये कुर्ता फाइनली कुछ तो पसंद आया इतनी देर में, देखो और भी कलर सा देख सकते हो। तेरे साथ अनुभव राज चल रहा है, चाहे अपने आप को बेच दूंगा लेकिन तेरे लिए मैं सारी चीजें लूंगा, तो टेंशन मत ले, शाम भी हो चुकी है। तो गाइस फाइनली मैंने दो टी शर्ट ले लिए, ये दो कर दो और बस दो टी शर्ट पैक हो गई है, बाकी किंजल ने अपने लिए जो चीज लेना था ले लिया। गाइस चलो यार यहाँ से चलते हैं, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हमने सामान ले लिया है, मैंने और किंजल ने, हम दोनों ने अपना अपना कपड़े ले लिए थोड़े बहुत, और ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, पता नहीं क्यों नहीं ले रही है, इसका मन ही नहीं कर रहा, बोल रही है मुझे नहीं लेना अभी, मतलब सुबह की जो बात हुई थी ना, जो लड़ाई हुई है भाई से, तो अब से लेकर अपसेट हो रखी है, तो इस वजह से उसने ना कुछ खाया है ना कुछ खा रही है। आप लोग ही बताओ यार क्या कर सकते हैं, मतलब भाई वो अपनी जगह सही है, भाई है वो तेरा, और क्या बोलूँ, कोई बात नहीं भाई, अगर कोई बंदा यार भाई गुस्से में तो बोल ही सकता है कि मार दूँ या कुछ भी है, जो भी है वो सही है अपनी जगह। और बाकी यार ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, उस समय से घूम रहे हैं राउंड टू राउंड, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और यहाँ से अभी घर भी जाना है, बस पकड़ने हैं या फिर मेट्रो, जो भी जिस चीज़ से जाएंगे, और बस यही आपको अपडेट देना था। और अभी हमने कपड़े ले लिए हैं, ठीक है, बाकी जो भी रहेगा जैसा रहेगा आप लोगों को मिलता जाएगा। और गाइस हाँ एक चीज़ और बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि आप भाई इन भाई से मदद लो, उन भाई से मदद लो, या फिर इस यूट्यूबर से बात करो, उस यूट्यूबर से बात करो, यार हम क्यों हेल्प मांगे किसी से भी, यार इतना है कि मैं किसी से भी हेल्प नहीं मांगूंगा, बस आप ही लोग हैं जिससे मैंने हेल्प मांगी थी, एंड भाई बहुत सारे भाइयों ने हेल्प करी थी, ऐसी बात नहीं है, तो थैंक यू सो मच, मैं जितना है उतना हो सकता है तो करूँगा। और बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आज, और अब घर चलते हैं यहाँ से, बाकी जो भी रहेगा जैसा रहेगा कल आपको उससे मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। तो आज यही था पूरा दिन, यही करा, और सब सुबह से मूड ऑफ था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करा है, तो बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।